नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख ही पा रहे होंगे कि मेरी वेबसाइट में राइट नाउ का अभी 9 का ट्रैफिक है। ये मूवी HDFlix.com का गूगल एनालिटिक्स अकाउंट बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ कि गूगल एनालिटिक्स होता क्या है, प्लस इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है वेबसाइट के साथ, प्लस यहाँ पर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स से देख सकते हो कि मेरी वेबसाइट में कहाँ से ट्रैफिक आता है। और आप भी अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करके आप डेली बेसिस पे देख सकते हो कि कौन सी पोस्ट मेरी रैंक हो रही है। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। यदि आप ब्लॉगर है तो ज़रूर आप जानते होंगे कि गूगल एनालिटिक्स से आप अपनी वेबसाइट का एनालिस कर सकते हो कि कहाँ से मुझे ट्रैफिक आ रहा है, कौन सी पोस्ट मेरी रैंक हो रही है, किस कंट्री में रैंक हो रही है, उस बेसिस पे आप नेक्स्ट अपना पोस्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल के लिए मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि गूगल एनालिटिक्स में आपको एक अकाउंट बनाना होता है, सिंपली वेरीफाई करना होता है अपने वेबसाइट को और जस्ट इसके एडमिन में जाना होता है। एडमिन में जाकर आपको जो ट्रैकिंग इन्फो है, ट्रैकिंग कोड है, ये कोड को आपको हेड के जस्ट नीचे में पेस्ट करना होता है, जिससे आप लाइव अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक देख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको। जस्ट थीम्स एडिटर में जाना है, यहाँ पर थीम्स एडिटर में जाकर थीम डॉट हेडर में जाना है और यहाँ पर मैंने ये कोड पेस्ट किया हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स का। ठीक है, तो ऐसे आपको पेस्ट करना होता है और पेस्ट करने के बाद आपको गूगल एनालिटिक्स के होम पेज में जाना है। अब मैं यहाँ पर बताऊँगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट का रियल टाइम ट्रैफिक देख सकते हो। तो पहला है रियल टाइम में ओवरव्यू आप करोगे तो यहाँ पर आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट में राइट नाउ अभी कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, किस कंट्री से आ रहा है, किस सिटी से आ रहा है। ठीक है, तो आप जैसे ही कर्सर यहाँ पर ले जाओगे तो आपको एक्टिव यूज़र बताएगा। एक यूज़र है रावलपिंडी में से, एक दिल्ली में से, और जैसे ही आप कर्सर मूव करते जाओगे वहाँ पर सिटी का नाम भी आपको पता चलते जाएगा कि ये चेन्नई है और ये यहाँ से अभी मतलब निकल चुका है। ठीक है, और दूसरी बात, आपको यहाँ पर लोकेशन वाइज भी आप देख सकते हो कि कौन कौन से लोकेशन से अभी इंडिया से 5 का ट्रैफिक आया है और पाकिस्तान से 1 ट्रैफिक आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक देख सकते हो लोकेशन वाइज, प्लस कहाँ कहाँ से आया है वो। ट्रैफिक सोर्स में आप क्लिक करोगे तो ट्रैफिक सोर्स आपको बताएगा कि ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट में आया हुआ 5-5 जो ट्रैफिक आया है वो ऑर्गेनिक है। ठीक है, और लास्ट पेज व्यू में आप क्लिक करोगे तो लास्ट 30 मिनट में कितना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट में आया हुआ है ये देख सकते हो। लास्ट 30 मिनट में मेरी वेबसाइट में 75 का ट्रैफिक आया हुआ है। ठीक है, और कहाँ कहाँ से आया है, तो पहले ऑर्गेनिक आया हुआ है, डायरेक्ट भी आया हुआ है, और ये मेरी एक जॉब्स की वेबसाइट है इससे भी आया हुआ है, और ये वाली एक जॉब की वेबसाइट है इससे 2 का ट्रैफिक आया हुआ है। ठीक है, इतना हुआ क्लियर आपका। आप इसमें मैं कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ कि कितना ट्रैफिक आप लास्ट 30 मिनट में आपने कौन कौन सी पोस्ट में ट्रैफिक आया हुआ है ये भी आप देख सकते हो। सभी मूवी की यूआरएल है और पेज टाइटल, पेज का यूआरएल, इन सभी यूआरएल में मुझे लास्ट 30 मिनट में ट्रैफिक आया हुआ है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इस यूआरएल में आया हुआ है, देख सकते हो आप, मतलब ये वाला यूआरएल मेरा रैंक हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर ये वाला यूआरएल जो हसीन दिलरुबा फुल मूवी डाउनलोड, जो मैंने लास्ट 10 दिन पहले ही मैंने ये पोस्ट लिखा हुआ है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ पोस्ट ओपन करके, जस्ट मिनट। तो हसीन दिलरुबा ये मूवी का मैंने पोस्ट लास्ट 17 तारीख को ही डाला हुआ है। ठीक है, और आप देख सकते हो अभी रियल टाइम मेरी इस पोस्ट में लास्ट 30 मिनट में 11 का ट्रैफिक आ चुका है।
मतलब ये रैंक हो रही है, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कि मैंने जो अभी अभी जो पोस्ट लिखा है लास्ट 8 दिन पहले या 7 दिन पहले, तो रैंक हुई कि नहीं हुई आप कैसे पता करोगे, तो इससे पता चलता है, ठीक है। इवेंट में आई थिंक कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, इवेंट में यही होता है कि लास्ट 30 मिनट में आपको, या अभी राइट नाउ कितना ट्रैफिक है, ठीक है। कन्वर्जेशन में आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा, कन्वर्जेशन से मुझे गोल हिट इसमें भी कुछ पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। ऑडियंस, ऑडियंस में आप देखोगे ओवरव्यू ऑडियंस आपकी वेबसाइट में लास्ट 7 डेज में, 22 से 28 का बता रहा हूँ, लास्ट 7 डेज में न्यू यूज़र इतने आए हैं और जो पुराने यूज़र थे वो 9% आए हुए हैं, मतलब न्यू यूज़र आपकी वेबसाइट में आ रहे हैं, ठीक है। कंट्री वाइज आप देख सकते हो कि किस कंट्री से लास्ट 7 डेज में मुझे कितना ट्रैफिक मिला हुआ है, कौन कौन सी कंट्री में मेरी वेबसाइट रैंक हो रही है, इस हिसाब से आप पोस्ट लिख सकते हो। जैसे आपने इंडिया के लिए अपने पोस्ट लिखा हो तो हो सकता है आपकी US में से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट में आ रहा है, तो आप US के लिए भी पोस्ट लिख सकते हो, या पाकिस्तान से आपको सेकेंड नंबर पे ट्रैफिक आ रही है तो पाकिस्तान की जो मूवी होगी उसके बारे में आप लिख सकते हो, तो पाकिस्तान से भी आपको ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा आने लग जाएगा, ठीक है। ब्राउज़र फीचर में कौन कौन से ब्राउज़र यूज़ हुए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सब कुछ आप इसमें से देख सकते हो, ठीक है। एक्टिव यूज़र अभी राइट नाउ कहाँ है, कैसे एक्टिव यूज़र कहाँ कहाँ से आए हुए वो देख सकते हो आप, ठीक है। और सेकेंड आपको इसमें क्लिक करना है, ओवरव्यू क्लिक करना है, और देख सकते हो कि लास्ट 7 डेज़ 22 से 28 तक का मैं बता रहा हूँ, लास्ट 7 डेज़ में मेरी वेबसाइट रैंक होने जा रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक रैंक हुई है, फिर यहाँ से थोड़ा डाउन हुआ है, तो मतलब रैंकिंग पोजीशन में आपकी वेबसाइट आप देख सकते हो। ऑर्गेनिक ट्रैफिक लास्ट 7 डेज़ में 6,000 का आया हुआ है, डायरेक्ट ट्रैफिक 300 का, रेफरेंस ट्रैफिक इतना, सोशल ट्रैफिक इतना। तो ज़्यादातर लोग मुझे ये बोलते हैं कि आप मूवी की वेबसाइट को कहाँ कहाँ शेयर करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई शेयर नहीं करता, ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही मेरी वेबसाइट में आता है, क्योंकि प्रॉपर SEO यदि आप करते हो, प्रॉपर अपने वेबसाइट का SEO करते हो, ऑन पेज ऑफ पेज प्लस वेबसाइट की स्पीड अच्छी है, तो आप ज़रूर रैंक करोगे, ठीक है। और ट्रैफिक में आप देख सकते हो कि चैनल वाइज आप देख सकते हो कि डायरेक्ट ट्रैफिक कितना है, इनडायरेक्ट कितना है, रेफरेंस कितना है, ये सब कुछ आप चैनल के थ्रू देख सकते हो। ट्री मैप में आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट ट्रैफिक कितना है, ऑर्गेनिक कितना है, रेफरेंस कितना है, ये टोटल 7 डेज़ का बताएगा आपको, ठीक है। सोर्स एंड मीडियम, सोर्स और मीडियम से भी आपको पता चलेगा कि मेरी वेबसाइट में डायरेक्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है, डायरेक्ट कितना आ रहा है, और रेफरेंस के थ्रू कौन कौन सी वेबसाइट से मुझे रेफरेंस के थ्रू जो बैक लिंक के थ्रू मेरी ट्रैफिक मिल रहा है वो आप देख सकते हो। पिंटरेस्ट से मिला है, फिर येलो पेज गूगल से मिला है, बिंग से और फेसबुक से मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन बहुत कम है सोशल ट्रैफिक। आप देख सकते हो ये सब मेरा मतलब बैक लिंक आप देख सकते हो इसमें, तो इसमें सब में बैक लिंक होगी तभी मुझे इसमें से ट्रैफिक मिल रही है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट का एनालाइज करके आप देख सकते हो, कितने सारे मतलब रेफरेंस के थ्रू मुझे ट्रैफिक मिल रहा है, आप देख सकते हो ये सब रेफरेंस के थ्रू मुझे ट्रैफिक इसमें से मिल रहा है, यूट्यूब में से भी मिला हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। रेफरेंस में आप क्लिक करोगे तो यही सब बताएगा कि आप कौन कौन सी वेबसाइट से ट्रैफिक ले रहे हो, होस्टगेटर से ले रहे हो, AH रेफरेंस से ले रहे हो, मतलब यही सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक मेरा ब्लॉग स्पॉट में एक वेबसाइट है, इससे भी ट्रैफिक आ रहा है। सर्च कंसोल में आप क्लिक करके देख सकते हो कि सर्च कंसोल में जो डेटा है उसको भी वो फेच करके इसमें बता देता है कि कौन कौन सी वेबसाइट, कौन कौन सा लिंक में कौन कौन से इम्प्रेशन आए हुए, कहाँ से आए, बाउंस रेट कितना है, ये सब कुछ आप इसमें से देख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात आपको एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ, बिहेवियर, बिहेवियर से आप देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट में यदि कोई यूज़र आ रहा है तो पर्टिकुलर किसी लिंक से किसी मतलब देख सकते हो, इस लिंक में यूज़र आता है और इस लिंक से यूज़र किस लिंक में जाता है,
कहाँ जा रहा है ये सब कुछ फ्लो वाइज आप देख सकते हो। लैंडिंग पेज ये, इससे ये लैंडिंग पेज में आता है और इस लैंडिंग पेज से मेरी ही वेबसाइट का दूसरे एक पोस्ट में जा रहा है देख सकते हो, और इसी पोस्ट से इसमें जाता है, इससे इसमें जा रहा है, ठीक है। तो ये सब पोस्ट जो है इससे यहाँ पर जा रहे हैं लोग, तो इससे पता चलता है कि होम पेज में से मेरी ये लिंक में लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको हसीन दिलरुबा जो मैंने अभी डाला है, तो इससे हसीन दिलरुबा से कोई कहीं पे नहीं जा रहा है, ठीक है, ड्रॉप ऑफ हो रहा है, मतलब टोटल ट्रैफिक ड्रॉप ऑफ यहाँ से हो रही है। तो यहाँ पे आप बैक लिंक डाल सकते हो किसी दूसरी वेबसाइट का, या इंटरनल लिंकिंग कर सकते हो, इसमें इंटरनल लिंकिंग कम है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप कितना, मतलब बाउंस रेट है क्या है, ये सब कुछ इससे पता चल सकता है। साइट कंटेंट में ऑल डेटा में आप जाओगे तो इसमें ये लिंक बताएंगे आपको, लैंडिंग पेज, ये लैंडिंग पेज है आपका। तो ये एक सिंपल सा वीडियो था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप अपनी वेबसाइट का, मतलब कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सब कुछ पता आप कर सकते हो। आप देख सकते हो अभी राइट नाउ मेरी वेबसाइट में 14 का ट्रैफिक हो चुका है, ठीक है। अभी आपको मैं बता ही रहा हूँ कि किस किस कंट्री, किस किस सिटी, इंडिया में से ज़्यादातर ट्रैफिक मेरी वेबसाइट में आया हुआ है। लोकेशन वाइज आप देख सकते हो 12 में से 14 अभी राइट नाउ 13 का ट्रैफिक इंडिया में से, पाकिस्तान में से 1 का ट्रैफिक आया हुआ है। और इसी में आप देख सकते हो कि कौन सी ट्रैफिक कहाँ से, ट्रैफिक सोर्स क्या है, तो ऑर्गेनिक है। कंटेंट कौन सी पोस्ट मेरी, कौन कौन सी पोस्ट में कितने कितने ट्रैफिक आए हुए हैं आप देख सकते हो। हसीन दिलरुबा में 4 आए, फिर 2 इसमें आए, फिर 1 1, मतलब हर एक पोस्ट मेरी रैंक की हुई है, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि कोई YouTube में आपको बता रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं लाइव हमेशा बताते रहता हूँ, मेरी वेबसाइट का मैं लाइव बताते रहता हूँ, ताकि आप मोटिवेट हो सको, आप भी मेरी तरह अर्निंग कर सको, घर बैठे आप अर्निंग कर सकते हो, मूवी वेबसाइट बना के, या जॉब्स की वेबसाइट, या हेल्थ की वेबसाइट। मूवी वेबसाइट में ये एक दिक्कत होती है कि कॉपीराइट कंटेंट होता है, इस वजह से आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पाता और उससे आपको थोड़ी कम अर्निंग हो सकती है। लेकिन मैंने पॉपुलर एड कनेक्ट किया हुआ है और देख सकते हो आप पॉपुलर एड से भी मुझे काफ़ी अच्छी अर्निंग देखने को मिलती है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें पेमेंट में आप जाओगे तो अभी मेरा $16 हो चुके, $18 हो चुके, जैसे ही $20 होगा मुझे पेमेंट आ जाएगी। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो यहाँ तक देख लिए, अच्छा लगा जस्ट लाइक कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं, और आपको मैंने ये इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर दिया ताकि आप भी मोटिवेट हो सको, अच्छी खासी वेबसाइट बना सको, क्योंकि वीडियो देखने से आप मोटिवेट होते हो और आप भी, आपके अंदर भी कुछ ऐसा जागता है कि मैं भी ऐसी वेबसाइट बनाऊँ और मुझे भी ट्रैफिक आए। तो ट्रैफिक के लिए, वेबसाइट के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।